अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी फैशन आर्ट। आज की वीडियो में हम फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लाइनिंग क्लॉथ को वॉश करके और अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। नीचे से कपड़ा हम बराबर कर लेंगे स्केल की हेल्प से, और ये ब्लाउज़ की कटिंग हम कोई अलग से सेपरेट मेजरमेंट टेप से, इंची टेप से हम नहीं करने वाले हैं। हम ब्लाउज़ के ऊपर ही ब्लाउज़ को रख के हम इसकी कटिंग करेंगे, मीन्स स्टिचिंग किए हुए ब्लाउज़ के साथ हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे मार्किंग लगा लिया है, और जो अब हमारा मेजरमेंट का साइज़ का जो ब्लाउज़ है उसको हम अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ सेट कर लेंगे अपने क्लॉथ के ऊपर। आगे वाला हिस्सा इसका ओपन साइड है, और इस तरीके से हम एक बार मेजरमेंट चेक कर लेंगे। उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्लॉथ जो हमारा है आ रहा है वो हमारा नीचे जब हम प्लेट लेंगे बैक साइड में उसकी फिटिंग में आ जाएगा। लेंथ हमारी इसकी 14.5 है, इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे क्लॉथ पे निशान लगाया था, जो कि हमारी स्टिचिंग में आधी इंच ऊपर आधी इंच नीचे स्टिचिंग फोल्डिंग वगैरह में आ जाएगा। देन इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर को अच्छी तरीके से सेट करते हुए हम इसका निशान मार्किंग कर लेंगे, एक नेक का मार्किंग कर लेंगे। देन इसके बाद हम अपना ब्लाउज़ जो स्टिचिंग ब्लाउज़ है माप का उसको हम हटा देंगे। इसके बाद हम शोल्डर का जो हमारा मेजरमेंट है, ब्लाउज़ में कभी भी हमारा शोल्डर की चौड़ाई कम ही लेते हैं हम, तो 5.5 इंच इसके शोल्डर की चौड़ाई हमने लिए ऊपर से कंधे की चौड़ाई, और आर्म होल प्लस 1 इंच ऐड करके 6.5 इंच का हमने आर्म होल ले लिया। इसके अंदर एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा मेजरमेंट का हम निशान लगा लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से इसको हम ब्लाउज़ को ब्लाउज़ के ऊपर रख के हम कटिंग ब्लाउज़ की कर रहे हैं। देन इसके बाद हमने नेक का चौड़ाई लिया है। नेक की चौड़ाई मिनिमम 2.5 इंच सफिशियंट है, 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है, और लेंथ जो हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ का निशान ले लिया है। मार्किंग स्ट्रेट कर लेंगे पहले एक हम, देन इसके बाद हमें जिस टाइप का शेप चाहिए हम उसके हिसाब से हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे, राउंड या फिर वी, जो भी हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। आधा इंच गले में अंदर की साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। 4.5 इंच पे निशान हमने एक लगाया था। ये हमारे टक्स की लेंथ है, जो हम बैक साइड पे प्लेट लेंगे ये उसकी लंबाई हमने ले ली। 1.25 इंच दोनों साइड से हम ले लेंगे, 0.75 0.75, और इसको हम टक्स का शेप दे देंगे। सिंपल, ये हमारा बैक पार्ट हमने कट कर लिया। अब इसको हम इस पार्ट को ही रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को मिला लेंगे बराबर से, और ओपन साइड से इसमें आधा इंच छोड़ के हम कपड़े को सेट करेंगे। नीचे लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट की अब हम कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में टक्स डालते हैं, टक्स डालने के बाद सामने का हिस्सा चढ़ जाता है हमेशा, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें नीचे फ्रंट पार्ट में, और साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा, जो साइड फिटिंग का निशान जहाँ लगेगा उस साइड से हमें बैक साइड के मुताबिक, बैक साइड के मुताबिक फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कटिंग कर लेंगे।
इसके बाद हम नेक की कटिंग भी कर लेंगे। वो फ्रंट का निशान लगा है आगे के गले का, और ये अब हम बैक के गले की कटिंग कर रहे हैं। सामने वाला हिस्सा हटा लेंगे पहले। और ये बैक के गले की कटिंग हो गई, अब हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। पहले इसको हम मार्किंग कर लेंगे, एक बॉक्स टाइप बना लेंगे। गले की लेंथ इसमें कितनी है वो हमने सिर्फ हमारे जो सिले हुए ब्लाउज से मेजरमेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है। और ये हमारा बैक और फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। गले के साइड से हाफ इंच की कटिंग हमें करनी ही रहती है, क्योंकि गला अगर डीप रहेगा तो हमें अंदर की कटिंग करनी रहती है। इसके बाद स्लीव्स कट करेंगे। कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। अस्तर का कपड़ा हमेशा उसकी अक्सर चौड़ाई कम आती है, इसीलिए हमने कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा करके सेट किया है। उसकी फोल्डिंग हमने थोड़ी छोटी बड़ी करके फोल्डिंग करी है उसकी हमने। देन इसके बाद एक इंच एक्स्ट्रा नीचे से इसमें भी हमने छोड़ा है, और मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बस हमने कपड़े को फोल्ड करके, फोर फोल्ड करके हमने नीचे हमारे लाइनिंग क्लॉथ को बिछा लिया है। चौड़ाई कम होने की वजह से छोटा बड़ा रखा है, एक पार्ट हमने बड़ा रखा है एक पार्ट छोटा रखा है फोल्डिंग में। देन इसके बाद जो हमारी स्टिचिंग ब्लाउज़ है, जो हमारा सिला हुआ मेजरमेंट का ब्लाउज़ है, उसको हमने अपने लाइनिंग क्लॉथ के ऊपर अटैच करके बस इसका हमने निशान लगा दिया है। और अब हम इसको स्केल से मिला देंगे, एक बार चेक कर लेंगे। आर्म होल हमारा जितना है उसको हम मिला लेंगे एक बार, और शेप देने के लिए फोल्ड साइड से नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे फोल्ड साइड से। स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। देन इसके बाद नीचे से जहाँ पे हमने मार्किंग किया था वहाँ पे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, एक क्रॉस लाइन डाल देंगे और इसको हम शेप दे देंगे। सिंपल, और एक तिरछी शेप देंगे फिटिंग की। कटिंग इस तरह से हो जाएगी हमारी। ये आर्म होल की कटिंग हो गई हमारे बाजू में। नीचे से फिनिशिंग दे देंगे। देन इसके बाद एक निशान हम और लगा लेंगे। ये निशान एक्चुअली पहले ही लगाना था, मैं भूल गई थी। निशान एक और लगा लेंगे, ये हमारी एक्स्ट्रा मेजरमेंट जो हमारा क्लॉथ रहता है ये वो है। ठीक है जी, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा खाली है इसमें हम एक्स्ट्रा अलग से क्लॉथ लेंगे और इसको सेट करेंगे। जो हमारा वेस्ट क्लॉथ कटिंग में बचा है लाइनिंग का, उसको हम सेट कर देंगे पहले इसके ऊपर। छोटे छोटे पीसेस हम इसके अंदर अटैच करके और एक रफली कटिंग ले लेंगे इसकी। फिनिशिंग इसकी हम बाद में करेंगे, बस एक रफली कटिंग हम इसकी एक ले लेंगे। सिंपल, बस एक रफली कटिंग हमें करनी है इसकी। तो ये हमारा जॉइंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जॉइंट पार्ट हो जाएगा। और देन इसके बाद हम अपने जो मेन क्लॉथ है फैब्रिक, उसको अच्छी तरीके से सेट करके उसके ऊपर हमने अपने लाइनिंग क्लॉथ को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, कटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक से हमने कटिंग स्टार्ट करा है, और ये हमारा बैक पार्ट कट हो रहा है फिनिश। देन इसके बाद फ्रंट कटिंग भी हमने ले ली, फ्रंट कटिंग भी हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स वैसे भी हमारा इसके अंदर जो लाइनिंग जितना था उतना ही हमारा मेन फैब्रिक भी आ रहा है, तो अब हमारे मेन फैब्रिक में भी जॉइंट लगेगा। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर कट हुआ है कटिंग में पीस जो निकला है, ये हमारे जॉइंट में आ जाएगा यूज़। इसको जो हमने कट पीस लाइनिंग का निकाला है उसके अकॉर्डिंग एक रफली कटिंग इसकी हम ले लेंगे, और इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग लाइनिंग विथ मेन क्लॉथ कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब हम स्टिचिंग का। सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक को लाइनिंग क्लॉथ के साथ अटैच कर लेंगे, और उसके बाद हम जो हमने निशान लगाया है टक्स का, उसके मिडिल में हम निशान लगा लेंगे स्टिचिंग से, ताकि हमारा जो हम टक्स लें तो हमारा कपड़ा अलग ना हो लाइनिंग क्लॉथ से।
कई बार छूट जाता है जब हम टक्स लगाते हैं ना, तो हमारा मेन फैब्रिक छूट जाता है, लाइनिंग लाइनिंग पे टक्स का निशान आ जाता है और मेन फैब्रिक हमारा छूट जाता है। उसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आने के लिए हम इसके मिडिल में टक्स पे निशान लगाएंगे, देन इसके बाद हम टक्स लेंगे। अब बहुत ही आसानी से हमारे टक्स का निशान लग जाएगा, स्टिचेस लग जाएंगे। वन बाय वन करके हम इसमें पूरे टक्स ले लेंगे। अगर हमने मिडिल में सिलाई ना लगाई होती तो डेफिनेटली इसके अंदर कपड़ा हमारा मेन फैब्रिक स्लिप हो जाता, क्योंकि ये ब्रोकेट है, थोड़ा सा हार्ड रहता है और ये स्लिप होता ही होता है। इस तरीके से हमारे कप्स बन गए इसके अंदर। देन इसके बाद हम बैक साइड स्टार्ट कर रहे हैं। बैक साइड को हमने सेम लाइनिंग क्लॉथ के साथ पहले इसको अटैच करना है अच्छी तरीके से। पूरा इसको हम कंप्लीट इसको लाइनिंग क्लॉथ के साथ इसको अटैच कर लेंगे। कपड़ा हमें कहीं पे भी खींचना नहीं है, फ्री हैंड से रख के इसको हमने स्टिच करना है। बैक पार्ट हमारा अटैच हो रहा है। फिनिशिंग दे लेंगे, एक्स्ट्रा क्लॉथ जो भी हो उसको हम कट कर देंगे। इसमें अब टक्स का निशान लगा के इसको हम फोल्ड करके दूसरी साइड जो हमारा दूसरा टक्स का निशान है वो हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे। परफेक्ट जगह पे बहुत इजी तरीके से हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। एक छोटी सी ट्रिक है इसके अंदर ये। और इसके अंदर भी अब हम मिडिल में पहले सिलाई लगाएंगे, बीच में रफ स्टिच। और ये हमारा टक्स। ठीक है जी, अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर रखा था, इसके हम पहले शोल्डर अब ज्वाइंट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें इधर उधर दिखेगा उसको हम फिनिशिंग देते जाएंगे साथ ही साथ, क्योंकि हमारी परफेक्ट कटिंग हमारी लाइनिंग क्लॉथ की है और जो हमने मेन फैब्रिक कट किया है वो हल्का सा बड़ा ही रहता है। कटिंग करते वक्त थोड़ा बहुत वो बड़ा ही हो जाता है कटिंग, तो उसको हम स्टिचिंग करते वक्त फिनिशिंग अकॉर्डिंग टू लाइनिंग क्लॉथ हम देंगे। ये एक्स्ट्रा हमारे फ्रंट की कटिंग, ब्लाउज़ में आगे की कटिंग हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज साइड से झोल बहुत ज़्यादा आता है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया, मेजरमेंट लिया और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट कटिंग हो गया। हुकाई की पट्टी लगा लेंगे, ये हमारे हुक की पट्टी है। हुक की पट्टी हमने लाइनिंग क्लॉथ से बनाई है, डबल फोल्ड में हमने क्लॉथ लिया है। 1 इंच की चौड़ाई है इसकी फोल्डिंग में, और लंबी जितनी हमारी लंबी ब्लाउज़ की लेंथ है, फ्रंट पार्ट जितना लंबा है उतनी हमने इसकी लेंथ ली है।
हुक की पट्टी हमेशा कॉटन के क्लॉथ में ही बनता है, मतलब लाइनिंग क्लॉथ से। फिनिशिंग अच्छी आती है उससे। देन इसके बाद अभी ये हमारी आई पट्टी है। आई पट्टी के लिए हमने मेन फैब्रिक यूज़ किया है और इसको हमने रॉन्ग साइड में अटैच किया है। हुक पट्टी हमने राइट साइड में अटैच करके रॉन्ग साइड में फोल्ड किया है, और ये आई की जो पट्टी हमारी लग रही है ये हमने रॉन्ग साइड में अटैच किया है और इसको हम राइट साइड में फोल्ड करेंगे। उल्टे साइड में रख के इसको सिला है हमने और इसको हम सीधे साइड में टर्न करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम डबल स्टिचेस लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको डबल सिलाई से इसको फिक्स कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी हुकाई की पट्टी भी कंप्लीट हो गई। फ्रंट पार्ट रेडी है बिल्कुल। नीचे से फोल्डिंग ले लेंगे, एक 2.5 इंच जितना इसको हम रफ़ फोल्ड करेंगे। देन इसके बाद हम 1 इंच जो हमने लिया था एक्स्ट्रा फोल्डिंग के नीचे हमारी तुरपाई के लिए आ जाएगा, हेमिंग के लिए 1 इंच जितना अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दूसरा पार्ट स्टिच करते वक्त एक बार हम हुकाई की पट्टी मिला लेंगे ताकि हमारी हुकाई की पट्टी की लेंथ कंप्लीट बराबर सही रहे, छोटी बड़ी ना हो, अदरवाइज़ बाद में फिर दिक्कत होती है। इस तरीके से हम इसको नाप के उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग दे देंगे। देन बैक पार्ट में हम अलग से पट्टी अटैच कर रहे हैं। अलग से पट्टी अटैच करने से क्या है, बॉर्डर में फिनिशिंग अच्छी आती है। ये पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच की ली है। देन इसके बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर डबल लगा लेंगे ऊपर से दबाव की सिलाई, और 2.5 जितना इसको हम अंदर से फोल्ड करते हुए फाइनल कंप्लीट कर देंगे इसको। इस तरीके से हमारी हेमिंग पट्टी कंप्लीट हो गई। बॉर्डर में बहुत अच्छा फिनिशिंग लुक आया है इसका। ठीक है जी, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, और इसके अंदर गला और स्लीव्स पे डिज़ाइन और स्लीव्स अटैचिंग करना, ये और फाइनल फिटिंग, ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जब तक आप प्लीज़ वेट करिए। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।